हे गाइस, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ टेस्टी हेल्दी डिलीशियस ग्रेवी वाले काले चने की रेसिपी। इसे हम बहुत ही सिंपल तरीके से बनाएंगे और बनाना भी बहुत आसान है, तो चलिए इसे बनाना शुरू करते हैं। इसे बनाने के लिए काले चने को 5 से 6 घंटे पहले भिगो देंगे। अगर आप सुबह बना रहे हैं तो रात को इसे भिगो कर रख सकते हैं। काले चने को कुकर में डाल देंगे और इसमें 1 चम्मच नमक डाल देंगे, पानी डाल देंगे और कुकर को बंद करके इसको 5 से 6 सीटियां लगवा लेंगे। और जब तक हम तड़के की तैयारी कर लेते हैं, मिक्सी के जार में कटा हुआ प्याज, टमाटर, अदरक, लहसुन, हरी मिर्च और थोड़ा सा पानी डालकर इसको बारीक सा पीस लेंगे। आप चाहो तो इसे कद्दूकस भी कर सकते हो, बारीक बारीक काट भी सकते हो, लेकिन इस तरीके से काम ईजी हो जाता है। कढ़ाई में 2 चम्मच ऑयल डाल के और उसमें 1 चम्मच जीरा डालकर अच्छे से भून लेंगे। और जब जीरा अच्छे से भून जाए तो इसमें पिसा हुआ मसाला डालकर उसे भी अच्छे से भून लेंगे। और इसी जार में जो हमने चने बॉयल किए थे उसमें से 1 कटोरी चने डाल देंगे और थोड़ा सा पानी डालकर उसे दरदरा सा पीस लेंगे। इस तरीके से मसाला अच्छे से भून गया है और अब हम इसमें सूखे मसाले डालेंगे। 1/2 चम्मच हल्दी, 1/2 चम्मच लाल मिर्च पाउडर, 1 चम्मच चना मसाला और 1/2 चम्मच धनिया पाउडर डालकर अच्छे से मिक्स कर देंगे। थोड़ा सा पानी डालकर अच्छे से मिक्स कर देंगे ताकि सारे मसाले अच्छे से इसमें मिक्स हो जाएं। और ये देखिए, मसाले अच्छे से मिक्स हो गए हैं और अब हम इसमें पीसे हुए चने डालकर इसे भी अच्छे से मिक्स कर देंगे। इस तरीके से थोड़े से पीसे हुए चने डालने से चने की ग्रेवी बहुत ही अच्छी बनती है। और अब हम इसमें डालेंगे पानी, और जितनी आपको ग्रेवी चाहिए उतना ही इसमें पानी डालें। अगर आप चावल के लिए खा रहे हैं तो ज़्यादा पानी डाल सकते हैं, ज़्यादा अच्छी ग्रेवी बनेगी। अगर आपने रोटी के साथ खाना है तो इसमें पानी कम डालें। और पानी डालने के बाद ढक कर इसे 10 मिनट के लिए मीडियम फ्लेम पर पका लेंगे। और 10 मिनट बाद ये देखिए ग्रेवी बहुत अच्छे से बन गई है। और अब हम इसमें बॉयल चने मिक्स कर देंगे। और अगर आपको इस टाइम में भी ग्रेवी थोड़ी सी कम लग रही है तो थोड़ा सा पानी इसमें और डाल सकते हैं। अच्छे से मिक्स करने के बाद 10 मिनट के लिए ढककर इसे और पका लेंगे। और 10 मिनट बाद ये देखिए चने बहुत ही अच्छे से बन गए हैं। और अब हम इसमें बारीक कटा हुआ हरा धनिया डाल देंगे और इसे अच्छे से मिक्स कर देंगे। और ये हमारे ग्रेवी वाले चने तैयार हैं। इसे आप रोटी, परांठा या फिर चावल किसी के भी साथ खाएं, बहुत ही अच्छे लगते हैं, टेस्टी लगते हैं। और ये हमारे चने की सब्जी बिल्कुल तैयार है। ऊपर से 1 चम्मच देसी घी डाल देंगे, बारीक कटा हुआ हरा धनिया डाल देंगे और इसे गर्मा गर्म सर्व करें। और अगर आपको ये रेसिपी अच्छी लगी हो तो इसे लाइक शेयर जरूर कीजिएगा। और जल्द ही मिलते हैं ऐसी ही अच्छी सी रेसिपी के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।